डैशबोर्ड पे हम लोग, यहाँ पे हमने लिंक दे दिया किसका, डैशबोर्ड का, और अब हम जब लॉग इन करेंगे हमारा यूज़र नेम पासवर्ड बिल्कुल सही होगा तो हम डैशबोर्ड के पेज पे यहाँ से बिल्कुल सही तरीके से जा रहे हैं। ठीक है, अब हमने डैशबोर्ड का पेज क्रिएट करना है, डैशबोर्ड डॉट पी एच पी का पेज क्रिएट करना है। अच्छा, डैशबोर्ड डॉट एच टी एम एल तो मेरे पास बना हुआ है, उसको खोलते हैं ज़रा। आ गया भाई, ये हमारा डैशबोर्ड का पेज है। ठीक है, जिसको इन्होंने इंडेक्स नाम दिया हुआ है, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। ठीक है, ये हमारा कौन सा पेज है, डैशबोर्ड का। ठीक है, अब इसकी जरा कोडिंग देखते हैं। इसको आम बंदे की तरह नहीं देखना कोडिंग को, इसको एक डेवलपर की नज़र से देखना, पीएचपी डेवलपर की नज़र से देखना इस कोड को। यहाँ तक की सारी चीज़ें हर पेज में एक जैसी होंगी, है ना, या नहीं होंगी? ऐसा है? उसके बाद का ये जो पार्ट है सारा आपका रॉ, और कहाँ से कहाँ तक का, फूटर, फूटर है इसका, ये रहा फूटर। ठीक है, इसको अभी जरा आसान करते हैं। अप्लाई सोर्स फॉर्मेटिंग, पेज इनर, पेज इनर को मैंने यहाँ पर कॉलेप्स टैग किया, पेज इनर। पेज इनर मेरा कहाँ चला जाएगा, हर पेज का क्या बन जाएगा, कंटेंट बन जाएगा। और ये फूटर और ये हेडर, समझ आया? तो ये चीज में आपको कमाल हासिल होना चाहिए कि आप टेम्पलेट को तोड़ सकें और जोड़ सकें, ये काम आपको बहुत अच्छा आना चाहिए। ये इसकी हमने क्लास की भी थी, इस पे कौन सा टेम्पलेट बनाया था, मुझे याद नहीं आ रहा, रियल इस्टेट का टेम्पलेट था। हाँ, ऑनलाइन इंक्वायरी नहीं आया, हमने एक टेम्पलेट बनाया था जिसमें हमने इंक्लूड यूज किया था, उसको तोड़ा था और जोड़ा था, क्लॉक दिए कहा उसमें। हाँ, याद आ गया। हाँ, तो वो आपने उसमें किया होगा ना, तो ये वही काम हो रहा है यहाँ पे। इसको मैंने यहाँ पे क्या करना है, कंट्रोल सी करना है, एक्स करना है, सी या एक्स, एक्स करके क्या फायदा, एचटीएमएल की फाइल है यार ये, क्या करोगे, सी कर लो ना, ये तो मेरे लिए फाइल किसी काम की नहीं है, तो मैं सी करूँगा इसमें ना। पीएचपी नहीं, इसको छोड़ो, यहाँ आ जाओ, न्यू फाइल, क्या नाम होगा फाइल का, जी हाँ, सही है, ठीक है, कंट्रोल एस कर दें, एक फाइल और बना लें, क्या रखें फाइल का नाम, में
ये सारा काम सही है। ये फूटर हो गया आपका, सही है, हेडर और ये फूटर। अच्छा, जो यूआई डेवलपर डिजाइनर होते हैं ना, वो थोड़ा सा एक काम करते हैं, उनका बड़ा उन पर कड़ी नज़र रखनी पड़ती है। वो ये काम ख़राब करते हैं कि यहाँ पर ना कुछ फाइलों में आगे पीछे कर देते हैं। अब अबाउट की फाइल में कुछ अलग फाइलें इंक्लूड हुई भी होंगी, होम के फाइल की फाइल में कुछ अलग फाइल इंक्लूड हुई भी होंगी, और इसी तरीके से ये कीबोर्ड सब लोग अंदर कर दीजिए, आपका भी कीबोर्ड का कोई यूज़ नहीं है, सब अंदर कर दें कीबोर्ड, ठीक है, कोई यूज़ नहीं है कि मैं काम कर रहा हूँ आप लोग नहीं कर रहे हैं, अपनी फाइल आगे रखें, कीबोर्ड को यूज़ नहीं करें। अच्छा, तो आप लोगों ने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हम समटाइम्स जब पीएचपी डेवलपर्स काम कर रहे होते हैं, तो जो यूआई वालों ने काम दिया होता है वो कैसे कुछ ऐसा होता है कि सीएसएस की कुछ फाइल्स अबाउट के पेज में अलग होती हैं, होम के पेज में अलग होती हैं, कॉन्टैक्ट के पेज में अलग होती हैं, एक दो फाइल का कुछ आगे पीछे कुछ होती हैं, ठीक है, तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, इसमें भी यकीनन होंगी। तो जब भी हम कोई फाइल को करेंगे देखेंगे तो उसका ख्याल रखेंगे कि यार ये तमाम फाइल्स हर पेज में है या किसी हर पेज में फाइल आगे पीछे है, ठीक है, तो इस चीज़ का आप लोग क्या रखेंगे, एक ख्याल रखेंगे कि हेडर की फाइल्स पूरी हैं, फुटर की फाइल पूरी है, कोई फाइल का इजाफा तो नहीं हो गया, अगर हो गया है तो फिर आप उसको इसमें ऐड कर लें, ठीक है, अगर कोई इजाफा हो गया है तो आप इसमें ऐड कर लें, वरना फिर आपकी वो काम नहीं करेगी आपकी HTML और CSS, ठीक है। नॉर्मली ऐसा होता भी है कि समटाइम्स जब एक स्टेटिक पे आप काम कर रहे होते हैं तो उसमें ऐसा होता है कि यूआई डेवलपर इसको इस चीज़ का ख्याल नहीं होता और वो नॉर्मली कर देते हैं, ठीक है। तो जब मैं था यूआई डेवलपर था, जब पीएचपी डेवलपर नहीं बना था, तो उस वक्त जब सॉफ्टवेयर हाउसेस में हम काम किया करते थे, आज से तकरीबन काफ़ी साल पहले, तो उसमें जब मैं यूआई डेवलपर होता था, पीएचपी मुझे नहीं आती थी, उस वक्त की बात बता रहा हूँ, थोड़ी बहुत आती थी, तो उस वक्त ये होता था कि मैंने एक साइट बना के दी पीएचपी डेवलपर को, तो उसमें जब वो उसको कन्वर्ट करता था तो कुछ उसमें फाइल नहीं चलती थी, कुछ मिसिंग्स हो जाती थी चीज़ें, प्लगइन था नहीं चल रहा, कुछ और चीज़ थी नहीं चल रही, वो मुझसे कहता था यार मैंने तो कुछ भी नहीं किया और ना ये काम नहीं हो रहा, तो मैं कहता क्यों कुछ नहीं किया, तुमने ही तो सबसे बड़ा काम किया है, और ये देखो ये क्या है। हम लोग दरअसल पीएचपी डेवलपर के आगे बोल भी नहीं सकते थे ज़्यादा ना, क्योंकि वो हमसे सीनियोरिटी पे होते थे, तो फिर आखिरकार वो कोड को मैं ही सही करता था, फिर कहता था हाँ ये देखो यहाँ पर ये फाइल थी, आपने यहाँ पे ये मिसिंग कर दी, तो समटाइम्स वो देख पाते थे, समटाइम वो नहीं देख पाते थे, तो फिर प्रॉब्लम आती थी, तो फिर वहाँ पर हम लोग कहते थे कि ये काम मैंने ऐसे किया था, यहाँ पे इस फाइल का मैंने एक इजाफा किया था, ये तुमने यूज़ नहीं की, तो ये मैंने उस वाले पेज में यूज़ की हुई थी, तो समटाइम कहीं ऐसी कुछ प्रॉब्लम हो जाती थी, तो आप लोग भी ख्याल रखेंगे, ठीक है। खैर बहरहाल हेडर फुटर हमने ऐड किया, अब क्या रह गया, ये क्या है, इनर उसका ना, कंट्रोल सी। अब एक नई फाइल लेंगे, नई फाइल का क्या नाम होगा, ये डेटा कहाँ पेस्ट कर दें, ऊपर नीचे क्या रख दें, ठीक है, हेडर डॉट पी एच पी और फूटर डॉट पी एच पी। अच्छा, अपनी हेडर डॉट पी एच पी की फाइल में जाते हैं। अच्छा, अभी तो ये हमारा स्टेटिक है, इसमें हमने अभी कुछ नहीं किया, जब हम अभी इसमें मजीद काम करेंगे तो डेटाबेस इसमें इंक्लूड करते हैं। अच्छा, अपने आप डैशबोर्ड को ओपन करते हैं ज़रा, कोई फर्क पड़ा, वैसे ही है ना बिल्कुल, कुछ चेंज तो नहीं आया इसमें, फाइल कौन सी हो गई,
.php। अच्छा आपने हेडर को भी खोल के देख लो जरा, हेडर का देखो क्या कैसा हो गया हेडर आपका। वैसे तो नॉर्मली तो हेडर नहीं खोला जाएगा, देखो हेडर में मैंने ये सारी चीजें ले ली, समझ आ रही है बात। हेडर में मैंने ये तमाम चीजें ले ली हैं और उसके अंदर ये तमाम आ गई हैं। अच्छा देखिए जब मैं हेडर को खोलता हूँ ना तो ये मेन्यू बन नहीं हो रहा, ये क्यों नहीं बन हो रहा, तो क्लिक हो गया ना अब तो देखो, क्योंकि इसकी जो स्क्रिप्ट है वो कहाँ लगी हुई है, फूटर में लगी हुई है। जब तक वो दोनों कंबाइन नहीं होंगे तो ये मेन्यू आपका उस तरह से काम नहीं करेगा। यहाँ पे देखो यहाँ पे हो गया बिल्कुल सही है ना। क्लियर यहाँ तक? अब जब भी यूजर लॉगिन करेगा तो कहाँ आएगा, इस पेज पे आएगा, डैशबोर्ड डॉट पीएचपी के पेज पे आएगा और वहां पर उसको तमाम चीजें मिल जाएंगी कि आपके पास कितनी कैट। अब इनमें हम क्या दिखाएंगे डैशबोर्ड में, हम डैशबोर्ड में ये दिखाएंगे कि कितनी कैटेगरी हमारे पास हैं, ठीक है, और कितनी हमारे पास जो है वीडियोस हैं, क्योंकि हमारी वीडियो भी साइट है। हम दिखाएंगे कितनी हमारे पास वीडियोस हैं, कितनी हमारे पास जो हैं कार्टून्स हैं, कितने हमारे पास कमेंट आए, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर क्या कराएंगे, एड यहाँ पे शो कराएंगे। कोई लेटेस्ट कोई कमेंट तो नहीं आया हुआ किसी यूज़र का, कोई पेंडिंग कमेंट तो नहीं है, ठीक है, तो इस तरह की तमाम चीज़ें हम यहाँ पर शो करवाएंगे इस एडमिन में। नंबर ऑफ वीडियोस कितनी है हमारी पूरी वेबसाइट में, कार्टून्स टोटल कितनी है, टॉक शोज टोटल कितने, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर शो हो रही होंगी, ठीक है, क्लियर है। क्योंकि अभी तो हमारे पास कुछ नहीं है तो हम यहाँ पर ये नहीं दिखा सकते कि हमारे पास कितनी न्यूज़ हैं, कितनी कैटेगरीज हैं, कितने कमेंट्स आए हैं, तो ये हम अभी दिखा सकते हैं नहीं। तो अभी हम इस पेज पेज को पे काम नहीं करेंगे, अभी हम इसके इंटरनल पेजेस पे काम करेंगे। अच्छा इसके हेडर पे कुछ काम करते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले क्या चीज़ आएगी हमारे पास, ऐड कैटेगरी, ऐड कैटेगरी ना, कि हम कैटेगरी कैसे ऐड करेंगे, ऐड न्यू कैटेगरी, या हम कैटेगरी का ऑप्शन बनाते हैं उसमें हमारे पास क्या क्या ऑप्शन आएंगे। अच्छा इसमें काफ़ी सारी चीज़ें भी हैं, देखें अगर आपको कहीं से कोई बटन्स चाहिए, ये सब आप लोगों को पता है कि बटन कैसे बनाएंगे, किस तरह से बनाएंगे, आइकन कैसे लगाएंगे, पता है ना या नहीं पता, पता है आइकन कैसे लगाएंगे, ये पता है कि ऐसे टैब पैनल कैसे बनेंगे, ये किस तरह से बन जाएंगे, टैब कैसे बनेंगे, ठीक है। इसके कुछ चार्ट्स, इसकी नीड नहीं है आपको। टेबल्स, टेबल कैसे बनेंगे, ये भी आप लोगों को आते हैं बूटस्ट्रैप के टेबल बनाने। फॉर्म, इस तरह के फॉर्म कैसे बनते हैं, ये भी आप लोगों को आते हैं बनाने। लॉगिन, ये वही वाला लॉगिन है जो कि हमने यूज़ कर लिया। अच्छा अब रजिस्ट्रेशन, इसकी भी नीड नहीं है। मल्टी लेवल ड्रॉप डाउन, मतलब इन्होंने सारी चीज़, और ये ब्लैंक पेज, तो हमें सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत होगी हर जगह, ब्लैंक पेज की ना, तो हम इसका ब्लैंक पेज ना भी लें, हम उसमें से चीज़ें उड़ा के उसको यूज़ कर लें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम लोग क्या लेंगे, ब्लैंक पेज को लेंगे ज़्यादातर और ब्लैंक पेज पे काम करेंगे। अच्छा सबसे पहले जो मेरे पास मेन्यू बनेगा वो होगा कैटेगरी, कैटेगरी के अंदर मैं न्यू कैटेगरी ऐड कर सकता हूँ और पुरानी किसी कैटेगरी को अगर डिलीट करना चाहूँ तो डिलीट भी कर सकता हूँ। तो हम एक पेज बनाए, दो बनाए कैटेगरी के, हाँ ऐड कैट न्यू कैट, ऐड न्यू कैटेगरी का अलग बना लें और ऑल कैटेगरी का अलग बना लें,